सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो हमारा आप मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्ट ऑफ द जोश। कैसे हैं दोस्तों? समोसा के साथ खट्टी मीठी चटपटी, अगर रेड वाली चटनी ना मिले तो समोसा का मज़ा ही अधूरा हो जाता है। रेड वाली खट्टी मीठी चटनी समोसा के साथ खाया जाता है, गोलगप्पे के साथ खाया जाता है, बल्ले पापड़ी के साथ खाया जाता है। अब जिसके साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं ईजिली। तो आज चलिए खट्टी मीठी समोसे वाली चटनी बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लिया, इसमें 200 ml पानी डाल देंगे, पानी को बॉयल होने देंगे। 200 ml पानी लिया है और 100 ग्राम गुड़ इसमें डालेंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं या आधा चीनी और आधा गुड़ दोनों डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से इसमें मैश कर लीजिए। खट्टी मीठी इमली वाली चटनी बना रहे हैं तो इमली तो होना ज़रूरी है। 100 ग्राम जो है इमली का पल्प है, आप साबुत इमली को पानी में भिगो कर उसका रस पूरा निकाल सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी मार्केट में जो है ये प्योरी मिलती है इमली की, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बॉयल होने लगा है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। काला नमक है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच वाइट नमक है। सौंफ है 1 चम्मच, लिटिल बिट फूडिंग कलर थोड़ा कलर लाने के लिए, मिर्च पाउडर। अब इसमें करीब 2 चम्मच के आसपास पम्पकिन बीज मगज डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है अरारोट, इसको पानी में घोल कर इसमें डालेंगे। इसको इसमें डालकर घोल देंगे। बिल्कुल बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है। घर में बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग तैयार कर पाएँ इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया है इसको। अब देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल रेड वाली चटनी बिल्कुल तैयार है, खट्टी मीठी इमली वाली चटनी। एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं इसको, गैस बंद करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको समोसे के साथ, गोलगप्पे या बल्ले पापड़ी के साथ खा सकते हैं, या कोई और भी चीज़ के साथ इसको जो अच्छा लगे आप खा सकते हैं। और ये काफ़ी लजीज बना है, अपने घर में इसको ट्राई कीजिए और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।